नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सप्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सप्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे हमारा विषय है वो रशिया की एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में है जो रशिया के एक हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर आई हुई है। जी दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे आज वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो को भी आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं वोल्गोग्राद मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वोल्गोग्राद सिटी के अंदर आई हुई है। वोल्गोग्राद सिटी की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड वॉर टू से पहले उसको स्टेलिंग्राड नाम से जाना जाता। वोल्गोग्राद सिटी की अगर बात की जाए तो वोल्गोग्राद जो ओब्लास्ट है उसका एडमिन सेंटर इसको आप बोल सकते हो। ये जो सिटी है ये वोल्गा रिवर के नजदीक आया हुआ सिटी है और दूसरा की 15th रैंक पे आता है वोल्गोग्राद, अगर रशिया में सबसे बड़ी सिटी की बात की जाए। अगर इसके बाद ज्योग्राफी की बात की जाए तो कवरिंग एरिया जो इसका है वो करीबन 860 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 331 स्क्वायर माइल का एरिया यहाँ पे आप बोल सकते हो, विद पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन रेसिडेंट्स। अगर सिटी के ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है वोल्गोग्राद सिटी के अंदर, उसके अलावा रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है लाइक लाइट रेल जिसको वहाँ पे वोल्गोग्राद मेट्रो ट्राम के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा बसेस है, ट्रॉली बसेस है और ट्राम्स है, ये हर एक टाइप की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ। यहाँ पे बात आती है पेरेंट्स के माइंड में कि वोल्गोग्राद अगर जाना है इंडिया तो कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे 12 से 15 घंटे का आपका फ्लाइट जर्नी रहेगा वोल्गोग्राद तक जाने के लिए। वाया मॉस्को आप जा सकते हो और इसके अंदर टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड ऑन द लेओवर टाइम। और अगर आप मॉस्को तक फ्लाइट में जाते हो और वहां से अगर ट्रेन में जाते हो तो वहां पे आपका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जो नॉर्मली 12-13 घंटा लग रहा है उसकी जगह पे 18 से 19 घंटा आपका लगना है। अगर यहाँ पे हम लोग अवेलेबल फ्लाइट की बात करेंगे कि कौन कौन सी फ्लाइट अवेलेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे एरोफ्लॉट की फ्लाइट अवेलेबल है, उसके अलावा एमिरेट्स की फ्लाइट भी जाती है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट अवेलेबल है, कतर एयरवेज की फ्लाइट भी अवेलेबल है, फ्लाइट दुबई की फ्लाइट अवेलेबल है, एज वेल एज KLM एयरलाइंस वो भी अवेलेबल है, लुप्चाना एयरलाइंस वो भी अवेलेबल है, और उसके अलावा एयर इंडिया की कनेक्टेड फ्लाइट्स भी अवेलेबल रहती है यहाँ, तो फ्लाइट्स के लिए कोई इश्यू नहीं आने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1935 को हुआ था, बट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जाना शुरू हुए थे जो करीबन 1962 के बाद वहां पे जाने शुरू हुए थे। और इसका अगर नाम अगर आप देखेंगे तो उसका जो नाम है एक्चुअल वो है वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका एफिलिएशन यहाँ पे वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात की जाए तो करीबन अभी तक का जो काउंटिंग है उसके हिसाब से करीबन 4500 स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट वहां से पढ़ाई कर चुके हैं और आज की डेट में करीबन 127 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और करंट कंडीशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो करीबन 400 से 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अगर वोल्गोग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो पूरे रशिया के अंदर 10th नंबर पे आता है बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पे अगर मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे जो कोर्स चलता है वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम कोर्स अवेलेबल है, हालांकि यहाँ पे रशियन और बाइलिंगुअल कोर्स भी अवेलेबल है। तो जब भी एडमिशन लेते हैं ध्यान से अपना एग्रीमेंट देखें और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। एक्रेडिटेशन के बारे में अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी के तो NMC एंड MCI दोनों का जो भी हम लोग बोलेंगे एक्रेडिटेशन जो कि इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक है वो यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है आज की डेट में। उसके अलावा अगर आप US से प्रैक्टिस करना चाहते हो या PG करना चाहते हो इन फ्यूचर तो ECFMG का एक्रेडिटेशन रिक्वायर्ड है जो कि यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। और उसके बाद अगर आप UK में प्रैक्टिस करना चाहते हो PG करना चाहते हो तो वहाँ पे GMC एक्रेडिटेशन रिक्वायर्ड है, वो भी यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। अगर यूनिवर्सिटी के ट्यूशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है फर्स्ट ईयर के अंदर करीबन 5980 USD के आसपास रहेगा एंड सेकंड टू सिक्स ईयर के अंदर जो फीस है यहाँ पे वो करीबन 5900 के आसपास रहेगा। अगर अकोमोडेशन के बारे में बात की जाए तो यूनिवर्सिटी का खुद का अकोमोडेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हॉस्टल नंबर 1 की बात की जाए तो 15 मिनट के जो वॉकिंग डिस्टेंस है उसके ऊपर आया हुआ हॉस्टल है जो 4 शेयरिंग हॉस्टल है यहाँ पे, जिसका टैरिफ $500 के आसपास रहेगा पूरे साल भर का। उसके बाद अगर हॉस्टल नंबर 2 की बात की जाए तो करीबन 40 मिनट का डिस्टेंस है ट्रॉली बस से आप यूनिवर्सिटी तक जा सकते हो, जिसका जो टैरिफ है वो करीबन $750 से $900 के बीच में है और जहाँ पे जो रूम है वो 2-3 शेयरिंग के अंदर मिलेगा। उसके बाद हॉस्टल
हॉस्टल नंबर 3 है यहाँ पे, जो हॉस्टल करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आया हुआ है यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे भी 3-4 शेयरिंग के ऑप्शन अवेलेबल है जिसका टैरिफ वहाँ पे $500 के आसपास है। उसके बाद हॉस्टल नंबर 4 है, वो भी 2 कैटेगरी में अवेलेबल है, एक नॉर्मल कैटेगरी जिसका टैरिफ $750 के आसपास का है, और सुपीरियर रूम अगर आपको चाहिए वहाँ पे तो करीबन $900 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको प्राइवेट अपार्टमेंट लेने की आवश्यकता लगती है तो वो भी सिटी के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे अगर टोटल बजट की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस, उसका अकोमोडेशन का एक्सपेंसेस और वहाँ पे फूड का जो भी एक्सपेंस होता है वो सब मिला के अगर टोटल बजट काउंट करेंगे तो यहाँ पे 35-38 लाख रुपीस का बजट लेके आप चल सकते हो। यहाँ पे अगर फूड फैसिलिटी की बात की जाए तो काफी सारी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट कोई भी नहीं है आज की डेट में, तो वहाँ पे सेल्फ कुकिंग ही एक बेटर ऑप्शन आप मान के चल सकते। दूसरा, यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द NMC एंड MCI रूल आपका 12th साइंस PCB के अंदर 50% से ज्यादा मार्क्स होना अनिवार्य है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 45% आना जरूरी है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द NMC रूल आपका नीट क्वालिफाइड होना अति आवश्यक है, हालांकि नीट 3 साल के लिए वैलिड है, तो अगर आपने 2019 के अंदर नीट क्वालिफाइड किया हुआ है देन इट्स वैलिड हो। यहाँ पे सोक्तामो का ओपिनियन क्या रहेगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो इट्स वन ऑफ द प्रीमियम स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ द रशिया। दूसरी बात ये भी रहेगी ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एज वेल एज प्रेस्टिजियस बिकॉज इट्स कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। दूसरा, यूनिवर्सिटी ने पहले से लेकर अभी तक एक स्ट्रिक्ट डेकोरम मेंटेन किया हुआ है वहाँ पे, जिसका बेनिफिट आपको एक बेटर रिजल्ट के साथ देखने को मिलेगा फ्यूचर में। दूसरा, जो यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर है वो काफी ही बढ़िया है और जो कि रिक्वायर्ड है आने वाली नेक्स्ट की जो एग्जाम है उसके लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है सेफ्टी के बारे में, और ज्यादातर पेरेंट्स जो गर्ल्स के पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि सेफ्टी क्या रहेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे वोल्गोग्राद जो सिटी है वो एक सेफ सिटी है फॉर द गर्ल्स चिल्ड्रन, सो सेफ्टी के बारे में कोई भी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ी बात जो आती है लोकल सपोर्ट के रिगार्डिंग, तो सोफ्तामो के लोकल सपोर्ट फैसिलिटी ऑलवेज विथ यू, सो लोकल सपोर्ट के लिए कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको यहाँ। तो आई थिंक दोस्तों आज जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हमने वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। उसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, और कोई भी आपको डाउट आपको मेल करना है तो आप दिए गए मेल आईडी के ऊपर मेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा चैट सेक्शन अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, जहां पे जाके आप चैट के थ्रू भी बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एक दूसरी चीज है कि अगर आपको लाइव काउंसलिंग चाहिए कभी भी, कि कहीं घर से बाहर आपको ना निकलना हो और वो काउंसलिंग आपको घर पे बैठे लेना है अपने पेरेंट्स के साथ, तो हम लोग आपको जूम का मीटिंग भी शेड्यूल करके दे देंगे जिसके थ्रू आप पूरी फैमिली के साथ जुड़ के वहां पे काउंसलिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा, हमारे यहां पे कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, तो वहां पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।